Today we are discussing here about various types of microphone. उसमें सबसे पहला microphone है कार्बन microphone, ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि microphone होते कितने types के हैं। तो microphone basically दो types के होते हैं। First one is pressure microphone। सबसे पहला आता है प्रेशर माइक्रोफोन और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइप के माइक्रोफोन। प्रेशर माइक्रोफोन जिसका एग्जांपल है ये कार्बन माइक्रोफोन, ये जो कार्बन माइक्रोफोन यहाँ दिख रहा है आपको कंस्ट्रक्शन का, वो एग्जांपल है प्रेशर माइक्रोफोन का। प्रेशर माइक्रोफोन वो माइक्रोफोन होते हैं जिसका आउटपुट आपके जो वाइब्रेटिंग मटेरियल लगा होता है उसके एम्पलीट्यूड के प्रपोर्शनल होता है। प्रेशर माइक्रोफोन्स में आउटपुट जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं, वो आपके मूविंग मटेरियल या वाइब्रेटिंग मटेरियल के एम्पलीट्यूड के प्रपोर्शनल होता है, ठीक है। मींस आउटपुट इज प्रपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग मटीरियल, जो वाइब्रेटिंग सिस्टम लगा होता है या डायफ्राम उसके एम्पलीट्यूड के प्रपोर्शनल होता है। एंड वेलोसिटी माइक्रोफोन आउटपुट इज प्रपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग मटेरियल, इसमें आउटपुट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है, ठीक है। ये है वेलोसिटी, ये है एम्पलीट्यूड। तो प्रेशर माइक्रोफोन्स का एग्जांपल है कार्बन माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन, ठीक है, मूविंग कॉइल माइक्रोफोन, और वेलोसिटी में आते हैं रिबन्स माइक्रोफोन, लेवेलियर माइक्रोफोन, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, इसमें क्या लगा है, ये देखिए यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव कवर है इस राइट हैंड साइड ऑल्सो एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। ये स्प्रिंग है, दो तरफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड है हमारी, ये हमारा मेटल पिस्टन है, ये हमारा क्या है, मूवेबल मेटल डायफ्राम, ठीक है। कार्बन माइक्रोफोन, कार्बन के ग्रैनुल्स को दो मेटल के प्लेट्स के बीच उसको रखते हैं, ठीक है, कैद करके रखते हैं कार्बन ग्रैनुल्स को दो मेटल के प्लेट्स के बीच। एक मेटल का प्लेट ये ऊपर है, ये मूवेबल मेटल प्लेट है, एक मेटल का प्लेट नीचे है, ये फिक्स्ड प्लेट है, ठीक है। मूवेबल इसलिए है क्योंकि हम जब साउंड प्रेशर, साउंड वेव्स जब हम देते हैं इनपुट में, उसके प्रेशर से, उसके प्रेशर में वेरिएशन से ये मूव करने के लिए सक्षम है। मूवेबल प्लेट है, इसको डायफ्राम भी कहते हैं। ये आपका मेटल पिस्टन से अटैच है, ये स्प्रिंग है, ये कवर्स है, ये आपका दो मेटल की फिक्स मेटल प्लेट है, मूवेबल है, इसके बीच में आपका कार्बन ग्रैनुल्स है, ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है यहाँ पे, और ये दोनों जो आपके हैं ये आपके क्या है, मेटल केस है, ये आपके मेटल केस है, ऐसे प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है मेटल केस यहाँ पे। आपका जो कार्बन कैनवस से जो फिक्स प्लेट अटैच है, इसको, इस चीज को हम कनेक्ट करते हैं डीसी सप्लाई से एंड लोड से, और आउटपुट हमारा फाइनली ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से मिलता है, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस होता है कैसे है, जब हम साउंड वेव्स देते हैं यहाँ पे कार्बन कैनवस को, तो कार्बन कैनवस प्रेस होते हैं और कंप्रेस एंड रिफ्रैक्ट होते हैं। अगर प्रेशर ज्यादा है तो कंप्रेस, अगर प्रेशर नहीं है तो रिफ्रैक्ट, ठीक है। तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन ऑफ कार्बन कैनवस की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आता है एंड इसकी वजह से करेंट में चेंज आता है, और हमें यहाँ पे वैल्यू और करंट में चेंज की वजह से वोल्टेज में चेंज होता है, और हमें यहाँ पे बैटरी या एसी वोल्टेज मिलता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी तो ले नहीं सकता और बैटरी से हमें डीसी सप्लाई जा रही है, तो डीसी सप्लाई इनपुट में जाती है, आउटपुट में हमें वैरिंग वोल्टेज मिलता है सेकेंडरी वाइंडिंग से, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे माइक्रोफोन्स के बारे में।